हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा और आज का वीडियो है एक हॉल वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं फेस शॉप हॉल वीडियो बना रही हूं। इसे मैंने nykaa.com से परचेज किया है। नायका पर हमेशा ही अमेजिंग सेल चलता रहता है और आजकल फेस शॉप के भी बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक ज़रूर थम्सअप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज, ये है मेरा नायका का फेस शॉप हॉल। जी हाँ, ये बहुत ही ह्यूज पैकेट है। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने वन गो में नहीं परचेज़ किए हैं। इसे मैं 2-3 महीने से परचेज़ कर रही थी। जैसे जैसे फेस शॉप पे ऑफर्स आ रहे थे, मैंने ये ग्रैब किए हैं प्रोडक्ट्स और इन्हें यूज़ किया है ताकि मैं आपको इनका रिव्यू दे सकूं। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं परचेज़ किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने फेस शॉप का फेब्रवरी में वैलेंटाइन डे ऑफ़र था, जिसमें कि एक वैलेंटाइन किट थी। उसमें सबसे पहले मैंने ये परचेज़ किया था। इसमें चिया सीड डिस्कवरी किट फ्री था फेस शॉप का। ये एक हाइड्रेटिंग रेंज है। इसके साथ मुझे एक टोनर और एक हाइड्रेटिंग लोशन और नो शाइन क्रीम मिला था। ये बहुत ही स्मॉल पैकेजिंग है, बट मैंने इसे 1.5 मंथ यूज़ किया है रेगुलरली। मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। जब मेरा ये किट फिनिश हुआ, तब मैंने इसका हाइड्रेटिंग टोनर की बड़ी बॉटल ऑर्डर की। ये 145 ml की बॉटल है और ये 1350 इसकी MRP है। मैंने इसे MRP पर ही लिया है। और मैं बहुत सारे टोनर्स यूज़ कर चुकी थी, लेकिन वो सभी आपके स्किन के मॉइस्चर को एक तरह से खींच लेते हैं, लेकिन ये टोनर जो है आपके स्किन को बहुत हाइड्रेटिंग रखता है। बहुत ही अच्छा टोनर है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस ब्रांड में से कोई भी एक चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो। और उस वक्त एक ऑफ़र था जिसमें कि आपको वाइट सीड सीरम फ्री मिल रहा था। ये भी बहुत ही अच्छा सीरम है, काफ़ी हाइप्ड है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे यूज़ कर रहे हैं। ये एक ब्राइटनिंग सीरम है। इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट हाँ, ये भी काफ़ी हाइड्रेटिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। फेस शॉप के प्रोडक्ट्स आप मिंत्रा से भी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 10-15% ऑफ़र मिल जाता है। वहाँ से मैंने फेस शॉप का ये जेजू वॉल्केनिक लावा स्क्रब ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है। तो मेरी स्किन को हफ्ते में मैं 2 बार एक्सफोलिएट करती हूँ। मैंने बहुत सारे एक्सफोलिएटर्स भी यूज़ किए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और आपकी स्किन बिल्कुल भी खिंची हुई फील नहीं करती है। इसके एक्सफोलिएटर्स बहुत ही माइल्ड हैं, बिल्कुल हार्श फील नहीं होते हैं आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ये डीप क्लीन करता है। ये भी बिल्कुल मस्ट बाय है फ्रेंड्स। अगर आप कोई और प्रोडक्ट फेस शॉप का लेना चाहते हैं तो सेकेंड ये ज़रूर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे ज़रूर रेकमेंड करूँगी। और इसके साथ ही मैंने परचेज़ किया था ये क्लिंजिंग फोम। ये लेमन वेरिएंट में है। ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है, बट नायका पर तो ज़्यादातर हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, क्योंकि ये लुक एट दिस, ये कितनी बड़ी ट्यूब है। इसकी क्वांटिटी है 170 ml। ये 240 का मुझे पड़ा था। ये मेरे स्किन के लिए को थोड़ा सा ड्राई करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत अच्छे से डीप क्लीन भी करता है। ये 4 फेस वॉश, जी हाँ, ये फाइनली नायका पर स्टॉक में आ गए थे, तो मैंने उसी वक्त इन सभी को सारे वेरिएंट्स में मैंने ऑर्डर किया है। अब तक मैंने सिर्फ ये वाला क्लिंजिंग फोम यूज़ किया है। ये है मग बिन क्लिंजिंग फोम। नायका पर बहुत अच्छी डील्स आती रहती हैं, आप उसे चेक कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ड्राई नहीं करता है आपके स्किन को। फ्रेंड्स, फेस शॉप के प्रोडक्ट्स थोड़े से प्राइसी साइड पर हैं, बट मैं ये कहूँगी कि काफ़ी बड़े बॉटल्स हैं, बड़ी ट्यूब्स हैं और प्रोडक्ट भी बहुत कम यूज़ होता है। फेस वॉश के लिए मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लेती हूँ, बिल्कुल पी साइज अमाउंट। मेरी स्किन ड्राई है तो ये बहुत अच्छा मेरी स्किन को सूट कर रहा है।
बट स्टिल मैं लेमन और इसको ऑफ एंड ऑन यूज़ कर रही हूँ आजकल। बहुत ही फोमी है ये और अच्छे से क्लीन करता है, ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगता है, तो आप इसमें भी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ये भी। बाकी दो वेरिएंट्स मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं, तो जब भी मैं इन्हें यूज़ करूँगी आपके साथ इनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इन्हीं फेस वॉशेस के साथ मैंने एक जेजू एलो आईसी जेल भी ऑर्डर किया था, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गए हैं और ग्रीसी क्रीम्स इस मौसम में बिल्कुल फेस पे अच्छी फील नहीं देती हैं, बच्चों को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं चिपचिपी क्रीम्स। ये बहुत ही अच्छा जेल नहीं है, ये क्रीम प्लस जेल फॉर्म है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। अगेन ह्यूज टब है, बहुत अच्छे से लंबे समय तक चलने वाला है और फैमिली में कोई भी इसे यूज कर सकता है। ये देखिए, बिल्कुल अप्लाई करते ही ये बिल्कुल वाटरी इफेक्ट देता है और उसके बाद बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग रखता है। ये भी बिल्कुल मस्ट बाय प्रोडक्ट है फ्रेंड, इट्स लाइक क्रीम, कोल्ड क्रीम, मतलब इसमें कोई लॉस नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। इनके साथ मुझे दो प्रोडक्ट्स फ्री मिले थे, क्योंकि उस वक्त ये डील था कि 1299 का अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये दो प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। लुक एट दिस, फ्री प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। ये है राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लिंजर, ये बहुत ही हाई प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, अच्छे से फोम क्रिएट होता है, बहुत अच्छे से फेस क्लीन होता है। और ये है राइस वाटर ब्राइट क्लिंजिंग ऑयल, ये भी बहुत अच्छा है। ऑयल ये स्टिकी ऑयल की तरह नहीं है, बिल्कुल लाइट ऑयल है। इसे मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसे मैं हाथ पर लेकर और अपनी फिंगर्स पे स्प्रेड करके पूरे फेस पर, आईज पर अच्छे से इससे मसाज करती हूँ, पूरा मेकअप मेल्ट हो जाता है और देन आई वाइप इट ऑफ। उसके बाद फ्रेंड्स, अगेन राइस वाटर ब्राइट क्रीम है, क्योंकि मैं मेकअप रिमूव करने के लिए माइसिलर वाटर यूज़ करती थी। कॉटन पैड्स जितने मर्जी सॉफ्ट हों, लेकिन मेरी आईज बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत वाटरी भी हैं, तो जब भी मैं क्लीन करती थी तो वो बहुत इरिटेटिंग फील होता था मुझे। मुझे लगा कि मुझे एक हाइड्रेटिंग क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये सील पैक है, तो जब भी मैं इसे ट्राई करूँगी इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगेन काफ़ी बड़ा ह्यूज टब है और इसकी MRP अराउंड 700 थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी सारी डिटेल्स, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ये डैमियांग बैम्बू जेल परचेज किया था, ये भी बहुत अच्छा जेल है, इसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ 3 से 4 बार। इसे मैं रात को फेस क्लीन करने के बाद एक मास्क की तरह थिक लेयर में लगाती हूँ और ये स्किन में 5-10 मिनट में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, इट्स लाइक स्लीपिंग मास्क। तो और उस सुबह जो है बहुत ही अच्छा, आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेटेड और प्लम्प फील होती है। इवन मुझे सुबह मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती जिस दिन मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग जेल है, अगेन बहुत बड़ा टब है, इसकी MRP अराउंड 500 है, पर अगर आप इसे सेल में परचेज करते हैं तो ये अराउंड 350-360 भी मिल जाता है आपको। मैंने इसे MRP पर ही ख़रीदा था उस वक्त। गाइस, नायका पर एक ऑफ़र था कि अगर आप 999 के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा चिया सीड डिस्कवरी किट फ्री, जो कि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे ये किट बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इसे फिर से ऑर्डर किया। इसका टोनर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसका जो लाइटनिंग जो हाइड्रेटिंग लोशन है ये भी बहुत अच्छा है। ये इतना लाइट मॉइस्चराइज़र है कि आपके स्किन को बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होता है, बहुत अच्छा लोशन है ये भी। इसकी भी मैं बड़ी बॉटल बहुत ही जल्द परचेज करने वाली हूँ। और इसमें एक और नो शाइन क्रीम आता है, ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, बिल्कुल आपकी स्किन को मैटिफाई कर देता है। ये बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, देखिए आप, काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। अगर आपकी स्किन
काफ़ी ऑयली है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैटिफाई कर देती है आपकी स्किन को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से nykaa.com पर फेस शॉप पे बहुत सारे ऑफ़र्स आते रहते हैं, आप उन ऑफ़र्स पर नज़र रखिए और जो प्रोडक्ट्स आप मंगवाना चाहते हैं आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी जेल या क्रीम से ट्राई कीजिए और उसके साथ आपको कोई ना कोई फ्री प्रोडक्ट जो मिलता है उसे ट्राई कीजिए और जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसको आप अपनी बड़े वेरिएंट में मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कोरियन स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, कोरियन लेडीज़ की स्किन आप अगर आपने देखी होगी तो वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ही क्लीन और फर्म उनकी स्किन होती है। डेफिनेटली डाइट और वेदर का बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारी स्किन पर, बट स्टिल अगर हम कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो भी हमारी स्किन पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्किन केयर फेस शॉप हॉल। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूं और आपसे मिलती हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।